दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह कर्नाटक की सरजमी से एनसीटीवी पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं कर्नाटक के बेल्लारी में हूं। मैं जहां पर हूं, काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है। वजह है श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी जी की जो मौजूदगी थी कर्नाटक में। लोग बाग उनके स्वागत में मशगूल है, उनके अपने बीच देख कर भाव विभोर। दूसरी तरफ मेरे दिल दिमाग में दस्तक दे रहा है वो दौर जब सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक से अपना खास रिश्ता जोड़ा था। देश की बेटी या विदेशी बहू, साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यही सवाल पूछा था बेल्लारी की जनता से। बेल्लारी की जनता ने बेटी और बहू में फर्क करने वाली बीजेपी को जो जवाब दिया था वो जितना खास है उससे भी ज्यादा खास है श्रीमती सोनिया गांधी और बेल्लारी का रिश्ता। पति श्री राजीव गांधी की शहादत के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन वो राजनीति से दूर रहने के अपने फैसले पर अडिग रहीं। दूसरी तरफ पार्टी और परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। देश में सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही थीं। नफरत, भय और उन्माद का वही माहौल बन रहा था जो आज है। वक्त की पुकार सुनकर श्रीमती सोनिया गांधी ने कर्तव्य पथ पर उतरने का फैसला किया। साल 1998 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी और उसके अगले साल खबर आई कि सोनिया गांधी जी चुनावी राजनीति में अपना कदम रखेंगी। साल 1999 में जिस वक्त ये खबर आई कि श्रीमती सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उस वक्त मैं देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रजत शर्मा के शो आज की बात के लिए रिपोर्टिंग करता था। उस वक्त सूत्रों से जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक श्रीमती सोनिया गांधी अपने पति की परंपरागत अमेठी सीट के अलावा एक और जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो दूसरी सीट कौन सी होगी, इस सवाल को लेकर अटकलों का बाजार उस वक्त बहुत गर्म था। उस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि सोनिया गांधी जी अमेठी के अलावा और कहां से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी की चुनावी सीट का खुलासा नहीं कर रही थी। वजह थी बीजेपी की सियासी साजिश वाली चुनावी रणनीति। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खबर मिल चुकी थी कि बीजेपी साम दाम दंड भेद, साफ शब्दों में कहें तो एन केन प्रकरण, श्रीमती सोनिया गांधी को पहले ही चुनाव में परास्त करना चाह रही है ताकि उनका सियासी करियर शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी इस चुनावी दावपेच में एक अहम मोड़ आया 17 अगस्त 1999 को। 17 अगस्त 1999, ये तारीख आज भी मुझे याद है। मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ दिल्ली के सियासी गलियारों में श्रीमती सोनिया गांधी से जुड़ी जो खबर है, चुनावी खबर, उसको तलाश रहा था। तभी मुझे खबर मिली कि श्रीमती सोनिया गांधी हैदराबाद जा रही हैं। उससे जुड़ी दूसरी खबर थी कि सोनिया गांधी जी आंध्र प्रदेश के मेढक या कोडप्पा से चुनाव लड़ सकती हैं। हैदराबाद से सोनिया गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ा भी था कोडप्पा के लिए ही, लेकिन बीच रास्ते में उसने अपना रूट चेंज कर दिया। हेलीकॉप्टर कोडप्पा की जगह पहुंच गया कर्नाटक के इस बेल्लारी में। कर्नाटक का बेल्लारी कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान की तरह है। साल 1992 के बाद से कांग्रेस पार्टी कभी भी इस सीट से चुनाव नहीं हारी थी। श्रीमती सोनिया गांधी की भी इस सीट से जीत सुनिश्चित थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि सोनिया गांधी जी बस यहां से अपना पर्चा दाखिल कर दें, बाकी का काम खुद बेल्लारी की जनता कर देगी। बीजेपी को भी पता था कि इस बात में दम है और यही वजह थी कि बीजेपी ने श्रीमती सोनिया गांधी के मुकाबले में अपने त्रुप के इक्के को उतारने का फैसला किया। 17 अगस्त की रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उस वक्त मेरे मन में यही सवाल कौंध रहा था कि बीजेपी सोनिया गांधी जी के मुकाबले में किसे उतारेगी। बीजेपी से जुड़े मैंने अपने कई सूत्रों को आधी रात को फोन कर लगाकर इस सवाल का जवाब पूछा, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। 18 अगस्त की ब्रह्मवेला में मुझे भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि सुषमा स्वराज सुबह 6:15 की फ्लाइट से बैंगलोर जा रही है। नामांकन के आखिरी दिन सुषमा स्वराज ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी की चुनावी रणनीतिकारों ने अपनी संकीर्ण सोच के हिसाब से चुनावी जुमला तैयार किया। देश की बेटी या विदेशी बहू, बेल्लारी की जनता के सामने एक तरफ थी बेटी और बहू में फर्क करने वाली बीजेपी, दूसरी तरफ नए भारत के निर्माण में जुटी कांग्रेस पार्टी। मतदान से पहले ही बेल्लारी की जनता ने बीजेपी को उसके संकीर्ण सोच वाले सवाल पर अपना फैसला सुना दिया था। चुनावी नतीजे के दिन तो बस उस फैसले पर मुहर लगी थी। बेल्लारी के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती सुषमा स्वराज सोनिया गांधी जी से 56,100 वोटों से पराजित हुई थी। आंकड़े बस यहीं तक की दास्तां सुनाते हैं। इसके आगे की दास्तां सुनने का मन करे तो कभी बेल्लारी आइएगा। वहाँ की आबो हवा में आज भी श्रीमती सोनिया गांधी और वहाँ के लोगों के रिश्ते की मिठास घुली हुई है।
कर्नाटक के बेलारी से मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह नमस्कार।